नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है भारत का और राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम तथा इससे जुड़ी हुई प्रमुख तथ्यात्मक बातें। इसमें सबसे पहले प्रश्न आ जाता है स्वदेशी आंदोलन का। महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वभाषा, स्वदेशी, स्वधर्म व स्वराज का संदेश देकर के जन जागृति उत्पन्न की थी। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भगत आंदोलन चलाया गया था। 1885 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती राजकीय मेहमान बनकर राजस्थान में करौली रियासत में पधारे थे। ऊपरमाल क्या है प्रश्न आ जाता है। ऊपरमाल से संबंधित प्रश्न विभिन्न तरह से घुमा फिरा करके दे दिए जाते हैं। ये भैंसरोड़गढ़ से बिजोलिया तक का पठारी भूभाग है। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान यह मेवाड़ की रियासत का सदर मुकाम था। मुंशी समर्थदान माचारण, इन्होंने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इस समाचार पत्र का अंग्रेजी संस्करण राजस्थान टाइम्स के नाम से जारी किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन्हें मनीषी की उपाधि प्रदान की थी। सांवल प्रसाद चतुर्वेदी, 1942 में नवयुवा संदेश व कर्मभूमि नामक समाचार पत्रों का इन्होंने संपादन किया था। कृपूरचंद कुलिश, राजस्थान पत्रिका का 1956 में इन्होंने प्रकाशन प्रारंभ किया था। यह एक राजस्थान का प्रमुख समाचार पत्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 3 श्रेणी के राज्य थे, जिनमें बी श्रेणी में वे राज्य थे जो स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण के द्वारा बने थे। उदाहरण मध्य भारत, राजस्थान, इनके प्रमुख राज प्रमुख कहलाते थे। संविधान के 7वें संशोधन के द्वारा ए, बी और सी श्रेणी का भेदभाव समाप्त करके राज प्रमुखों के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बांसवाड़ा के शासक महारावल चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पर अपने हस्ताक्षर करते हुए ये शब्द कहे थे। जय नारायण व्यास और सी एस वेंकटाचारी, भारतीय संविधान परिषद में जोधपुर से भेजे गए ये दोनों प्रतिनिधि थे। शेर ए भरतपुर किसे कहा जाता है। गोकुल जी वर्मा का उपनाम है शेर ए भरतपुर और ये भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी हैं। पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था। मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें, ये दोनों क्या हैं, मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं। कन्हैया लाल सेठिया, अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने राजस्थान के सेठिया की कविताओं को उनकी ही आवाज़ में रिकॉर्ड किया था, यह भी प्रमुख तथ्य है। हनुमंत सिंह मारवाड़ नरेश हैं और अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाने का इन्होंने प्रयास किया था। ग्रामोथोन विद्यापीठ संगरिया हनुमान